अपने एग्जाम में जाना है, एग्जाम में जाना है, एचटी डॉक्स में जाना है, वहां पे वर्डप्रेस की जिप पड़ी होगी, उसको आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। वो जिप आपकी एक्सट्रैक्ट हेयर हो जाएगी, वर्डप्रेस का आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, वर्डप्रेस का आपके सामने फोल्डर आ जाएगा। क्या करना है, लोकल होस्ट में आ जाना है, सॉरी इसको रिनेम करना मैं भूल गया, रिनेम करें न्यू स्टोर के नाम से, न्यू स्टोर, लोकल होस्ट न्यू माइनस STOR स्टोर। ये एक समझ लें कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सिखाता है, खुद ही सब कुछ करके दिखाता है आपको, जबकि कोडिंग में खुद करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चूज करें, लैंग्वेज वाला आपके पास सिलेक्शन बॉक्स आ रहा है, यस सर, स्क्रीन सही शेयर्ड है ना, पूछना ये चाह रहा हूँ मैं, यस सर, यस। कंटिन्यू करते हैं। डेटाबेस वगैरह बनानी है, आ जाए लोकल होस्ट PHP में, एडमिन में चलते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू अंडरस्कोर स्टोर के नाम से डेटाबेस बनाई। यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस बनानी पड़ती है, हमें टेबल तक बनाने पड़ते हैं, हर चीज बनानी पड़ती है, बस न्यू स्टोर, न्यू अंडरस्कोर STOR स्टोर, रूट, पासवर्ड खाली, सबमिट एंड इंस्टॉलेशन। साइट का टाइटल न्यू स्टोर, यूजर नेम अपना नेम रखें, मैं भूल गया हूँ क्या रखते आ रहे हैं, बिलाल, बिलाल रख रहे हैं, फिर एट द रेट बिलाल 123 रखते हैं, बिलाल बिलाल एट द रेट 123, बिलाल कोड्स ईमेल डाला, डिस्करेज कर दें सर्च इंजन को, फिर आपने इंस्टॉल कर देना है इसको, लॉग इन कर दें, यहाँ पे फिर आप लॉग इन, यहाँ पे कोई अपडेट्स है तो उस अपडेट को देख लें। पहले प्लगइन्स में आएं, प्लगइन्स में दोनों प्लगइन्स को सिलेक्ट करें और इनको आप डिलीट कर दें। वो इन्हीं में अपडेट दे रहा था बस। अच्छा, बेशक स्क्रीन ऑप्शंस में आके इनको बंद कर दें। अब आपने करना क्या है, न्यू स्टोर जाए, विजिट साइट में जाए, और ये आपके सामने वेबसाइट आ रही है, अच्छा, बंद करना पड़ेगा।
आ जाएगा ठीक है। अच्छा, ये ऐसी वेबसाइट आपके सामने ऊपर, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपीयरेंस में चले जाना है और थीम्स में चले जाना, अपना थीम चेंज करना है। ये जो पहले के थीम्स हैं इनको डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है और आस्ट्रा पर आ जाना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। सर जब हमने डिजाइन एलिमेंटर से करना था तो फिर थीम को इंस्टॉल करने का क्या मकसद है? यही थीम तो आपको प्रोवाइड करता है। तो अच्छा, थीम होना जरूरी नहीं एलिमेंटर के साथ? थीम तो होना जरूरी है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एलिमेंटर से कोई भी थीम हो सकता है, आप ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ना आप कि एलिमेंटर से तो कोई भी थीम हम बना सकते हैं ना, किसी भी थीम के साथ? जी सर। हाँ, लेकिन ये जो आस्ट्रा है आपको डजन ऑफ थीम्स प्रोवाइड करता है स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से, बने बनाए। अगर आपको थैंक यू लिखा आ रहा है ऊपर, उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है ऊंची आवाज में। नहीं पढ़ना, मैं पढ़ता हूं। डिड यू नो, आप जानते हैं आस्ट्रा कम्स विद अ डजन ऑफ रेडी टू यूज स्टार्टर टेम्पलेट्स। आपको क्या पता है कि आस्ट्रा जो है वो बहुत से डजन ऑफ टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करता है शुरू करने के लिए वेबसाइट? बिल्कुल, हमें पता है, हम इसीलिए इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप इसको इंस्टॉल करना भूल गए हैं तो कोई इशू नहीं, दोबारा से आप प्लगइन्स में जाके स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, प्लगइन को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से प्लगइन है आस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट, आस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट। देखिए प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर रहे हैं। अब यहां से बच्चों, ये चार के चार आपके पास बिल्डर्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला बिल्डर आपका एलिमेंटर है, फिर आपका बेकरी है, फिर गुटनबर्ग है, फिर आपका ये बीवन बिल्डर है, फिर ब्रेजी बिल्डर है। तो आप किस में काम करते हैं बच्चों? एलिमेंटर। एलिमेंटर में आपने यहां से सिलेक्ट करना है एलिमेंटर। जैसे ही आप एलिमेंटर सिलेक्ट करेंगे, डजन ऑफ डिजाइन आएंगे, ये जो मैं आपको दिखाया करता था वही आ गया आपके पास। जी बच्चों। जी सर। अब इतने डिजाइन हैं, बस यही ले लेके डिजाइन चेंज कर करके सेंड करते जाओ क्लाइंट्स को। ज्यादा कोई अड़ा खोड़ आ गया है जिसको कह सकते हैं आपके, ज्यादा ही कोई ऐसा बंदा है जो मतलब कुछ समझता है इन चीजों को, उसको कस्टम बना दो। सीखा भी तो है ना आपने, लेकिन टाइम की बचत के लिए आप ऐसा करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये जो प्रीमियम वाले हैं उनसे आइडिया ले सकते हैं टेम्पलेट का? उनसे आइडिया सिर्फ ले सकते हैं, उनको ऐड नहीं कर सकते, ऐड आप फ्री वाले ही कर सकते हैं। प्रीमियम ऐड करना तो पैसे लगेंगे, तो आप उनसे आइडिया ले सकते हैं, उनको देख के आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, उनको देख के आप अपना बना सकते हैं एलिमेंटर के अंदर। अब मैं आपको तीन वेबसाइट्स दिखा रहा अब ये तीन वेबसाइट्स हैं, ये एक वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट ये है। इस पे थोड़ी सी मैंने मेहनत की है, थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ, बाकी ये भी इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट किया मैंने यहाँ पे। और इसमें देखें, ये तो उठाया हुआ है। अब ये कहाँ से कैसे उठाया मैं आपको दिखाता हूँ। इन्हीं टेम्पलेट्स में जो टेम्पलेट्स मेरे पास आए हैं, आपने आल पे क्लिक करना है पहले तो फ्री को लेने। अब मैं आपको दिखाता हूं,
अच्छा जी, ये आप इनका वो भी देख सकते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके। अच्छा यहाँ पर प्रीव्यू नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इनका प्रीव्यू देखना है, आपने लिखना है आस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट्स। जैसे आप लिखेंगे आस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट्स तो आपके पास एक लिंक आएगा रेडी टू इम्पोर्ट वाला, इस पर क्लिक करो। दो बच्चे आइडिया बना बनाया आप ले सकते हैं यहाँ से, प्रीमियम से आइडिया ले सकते हैं, अगर प्रीमियम जैसा बनाना है बना सकते हैं, इशू कोई नहीं, वरना फ्री तो आप खुद इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हाल में आए, फ्री तो खुद इंपोर्ट कर सकते हैं आप। अब मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा मैंने यूज किया है। मैं ऐसे ही मतलब डर लगता है शुरू से शुरू करने में, हाँ शुरू से करें, मैं तो इधर से उठाता हूँ इधर से करता हूँ, बट आपने कोशिश करनी है शुरू से बनाए। लेकिन कोई जल्दी क्लाइंट आ गया, ये देखेंगे ये कहानी आपको मैं दिखा, ये उठाया था बच्चों मैंने कौन सा एफ्रो वाला, आपको बैनर से पता चलेगा। बैनर दिख रहा है इसका और इसका, ये मैंने यहां से उठाया था, इसको इंपोर्ट किया, थोड़ी पैडिंग वैडिंग चेंज की, चीजें चेंज की और मैंने फॉर्म खत्म कर दिया, रेडी कर दिया। कॉन्टैक्ट में चले जाएं, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कॉन्टैक्ट में फॉर्म है और ये लेफ्ट पे है, मेरा कॉन्टैक्ट कैसा है, मैंने फॉर्म की लेफ्ट साइड खत्म कर दी। मतलब तकरीबन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना कुछ चेंज ला के लेके आने के लिए, सेम टू सेम ना बना दे। तो आप इस तरह इनको व्यू कर सकते हैं आगे, जो बच्चों आपको अच्छा लगे फ्री वाला वो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, और जो पेड है उस जैसा आप बना सकते हो एलिमेंटर के साथ। इतने मजे मजे के आपके पास डिजाइन है। अब वो इसको ऑर्डर कैसे करेंगे वर्डप्रेस में, वही तो बताना है, वही तो बताना है आज, वही तो बताना है, वही बताना है आपको। अच्छा जी, हैदर को अभी ऑर्डर मिला था, तकरीबन हर तरह के। अच्छा ये बच्चा दूसरा आ गया, ये देखो ये दूसरा, यहाँ पे ये स्लाइडर लगाया, वही लेके मैंने उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके इसकी चीज़ें ख़त्म करके नया बना दिया। ज़रा फूटर देखें, इसका फूटर देखें और इसका फूटर देखें, तो तकरीबन मैच्ड, बैकग्राउंड पिक्चर चेंज है बस। अच्छा जी, अब हैदर को मिला था एक टेक्नीशियन का, किसी एसी फ्रीजर के रिपेयर करने का ऑर्डर। आपको वो भी हर तरह के आपके पास यहाँ पर मौजूद है, आपने सिर्फ देखना है कि आपसे कौन सा मैच करता है। ज़रूरी नहीं मैच करता लेना है भाई, आप ले लें, डिज़ाइन का इशू नहीं, डिज़ाइन मैटर नहीं करता, वो किसी भी वेबसाइट का कैसा भी डिज़ाइन हो सकता है। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। यस सर। सेंटिंग ही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इंपोर्ट कैसे करना है। ये सारे स्टार्टर टेम्पलेट आपके पास नजर आ रहे हैं, सारे के सारे फ्री वाले, क्योंकि मैंने आल में जाके फ्री कर दिया। अब ये इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करना है, आप पे डिपेंड करता है। इनमें से जो मर्जी इंपोर्ट कर लें, पूरे का पूरा स्टोर इंपोर्ट कर लें, स्टोर इंपोर्ट आपका हो जाएगा, पूरे की पूरी वेबसाइट इंपोर्ट कर लें, वेबसाइट आपकी इंपोर्ट हो जाएगी, जो आप चाहेंगे। ये देखिए कितने टेम्पलेट आए हैं, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हैदर मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पे एक टेम्पलेट है टेक्नीशियंस के लिए, वो आप टेम्पलेट इस्तेमाल, प्लम्बर, ये देखिए प्लम्बर्स के लिए, व्यू करें इसको, ये देखें बना बनाया टेम्पलेट, आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी डाल दें। क्लाइंट का डिज़ाइन नहीं होता कि जी डिज़ाइन ऐसा बनाना है, उसको बना के दे दें, बाद में अगर चेंज चाहता है तो करें। ये देखिए अब इसको इंपोर्ट करके मैं आपको मैं आपको दिखा दूंगा, आप खुद ही कर सकते हैं, फिर उसको खुद ही कर लीजिएगा, एक आपको करना सिखा दूंगा, आपको फिर सारे करने आ जाएंगे। अब ये आ गया, एक और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टेक्नीशियन का, जरूरी नहीं कि टेक्नीशियन ही लेना है, चीजें अपनी पुट कर लें। ये देखें एसी टेक्नीशियन, मैं क्लाइंट को एक को बना के दे रहा हूँ, ये वाला मैंने उठाया, मैं आपको दिखाता हूँ,
वो बॉयलर एक्सचेंज करते हैं प्रोफिशिएंट फ्लेम पे जाता हूँ, देखिएगा कितना का फर्क है, आप लोग देख लीजिएगा। तस्वीरें उसकी पुट कर दी हैं, बैनर शैनर यही आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए कॉल टुडे फॉर एस्टीमेट, कॉल टुडे फॉर एस्टीमेट, ये देखिए यही उठा के मैंने इसमें ही एलिमेंटर से चीज़ें चेंज कर दी हैं। ये तीन वाला कॉलम लगा के आइकन लगाया, नीचे ये लगा दिया, ये तस्वीर लगा दी, ये देखें तीन वाला कॉलम लगाया, सर्विस रिपेयर इंस्टॉल, अपने लिहाज से थोड़ा डिज़ाइन कर, अपना भी तो पुटिंग करनी पड़ सकती है चीज़ें, आप तो आप पुट कर सकते हैं। अब देखें लोकेशन वर्किंग और फ़ोन नंबर, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा, लोकेशन वर्किंग और फ़ोन नंबर सिर्फ इनका कलर चेंज कर दिया, अपने डिज़ाइन के साथ मैच करवा दिया, उधर ग्रीन था इधर ये वाला हो गया। अच्छा अच्छा अब आते हैं इसको इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको कोई इंपोर्ट एक करके दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा जो जल्दी हो जाए उसको कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, इसके भी 5 पेजेस हैं। अच्छा जी जब उस आइक उस पर क्लिक करेंगे, क्या नाम है उसका, आपका जो है थीम स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास आएगा, वो पूछेगा कि कंप्लीट वेबसाइट इंपोर्ट करनी है या सिर्फ होम पेज। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ होम पेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, बाकी पेजेस खुद डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि बाकी वो कॉमर्स होता है इस तरह होता है, तो मेन पेज वो डिज़ाइन कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं पूरी वेबसाइट करनी, आप पूरी वेबसाइट कर सकते हैं इंपोर्ट, और प्रीव्यू करना है यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, पहले देख सकते हैं कैसी आएगी नज़र, ऐसी आएगी नज़र, आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी मैं इंपोर्ट कंप्लीट साइट पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, आप इंटरमीडिएट एक्सपर्ट कर दें, कुछ भी सिलेक्ट कर दें, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं ये सिलेक्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट फिर आपने स्किप कर देना, नाम वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्किप कर दें, अब आपका इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई इतना सा काम करना है आपने, इंपोर्ट कंप्लीट साइट का बटन प्रेस करना है, एक्सपर्ट या कुछ भी सिलेक्ट करना है, क्लाइंट के लिए स्टोर बना रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा खुद ही। अगर कोई स्टोर करोगे थोड़ा टाइम लेगा ज्यादा, क्योंकि उसमें वो कॉमर्स उसने इंस्टॉल करना है, उसने और चीजें इंस्टॉल करनी। सर स्टोर के लिए ऊपर लिखा हुआ होगा स्टोर इंपोर्ट कर ले। बच्चे आपके सामने नजर नहीं आ रहे इनमें से स्टोर कौन सा है, आपको कितने थीम नजर आ रहे हैं उनमें से आपको नजर नहीं आ रहा कि स्टोर कौन सा है, वहां पर लिखा हुआ है कि स्टोर, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे है ब्रांड स्टोर, ऑर्गेनिक स्टोर, क्लिंजर स्किन क्लिंजर स्टोर, जो स्टोर है उनके साथ लिखा आ रहा है, ना भी लिखा है किसी भी वेबसाइट को स्टोर बना सकते हैं, स्टोर तो मुश्किल है ही नहीं, वेबसाइट आ जाए WooCommerce का प्लग इन इंस्टॉल करो स्टोर बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर लो, इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट्स 4-5 ऐड हुई भी आ जाती हैं। चले इसके बाद स्टोर भी इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, इसके बाद स्टोर भी इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, पहले इसको इंपोर्ट कर लें फिर स्टोर इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट सर ये उसी सूरत में आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना कि आपका थीम एस्ट्रा हो तभी, अदरवाइज ये इंपोर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 अच्छा जी वो कह रहे हैं आपका साइट सक्सेसफुली होगी, जरा विजिट कर लो, मेरे बच्चे क्लाइंट की साइट रेडी होगी है, कंटेंट चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाओ, कैसे चेंज करना है, वेबसाइट रेडी होगी आपकी, क्लाइंट को आप दिखा सकते हो ये लें जी, बस आपका कंटेंट डालने वाला रहता है, मैंने डमी कंटेंट पुट कर दिया है, ठीक है, खतरे से बचना है कुछ कि पता ना चले वो कलर वलर जाके चेंज कर दो, फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो चीज़ों की, बस और क्या करना है, बैनर तो चेंज कर दो उसकी लुक ही चेंज हो जाएगी,
लोगो चेंज कर दो, मेन्यू इधर से इधर कर दो, आपके पास ऑप्शंस है हेडर बिल्डर में जाके। अगर आपको डर है कि क्लाइंट बड़ा सयाना है तो ऐसा नहीं होता ज्यादातर, ठीक है। जो सयाने होते हैं वो खुद भी बना सकते हैं वर्डप्रेस में। अगर कोई पक्का बंदा मिलता है कि जी मैं आपको ऑर्डर दिया करूंगा, तो वही आप कह सकते हैं कि वो उसको पहले काम आता है, बस उसके पास काम होता है, उससे होता नहीं है, वो आगे आप लोगों को दे देते हैं। वही आपका सयाना हो सकता है। क्लाइंट फाइवर पे जो आते हैं ना वो ज्यादा प्रोफेशनल ही नहीं होते, मतलब बिजनेसमैन आते हैं जिनकी एक दो कंपनी होती है और वो वेबसाइट बनवाते हैं चले जाते हैं। अपवर्क पे आपके पास कंपनीज आती हैं जो खुद ये काम कर रही होती हैं, बना बना के दे रही होती हैं, फिर वो बंदे हायर करती हैं आगे से बनवा के फिर आगे देती हैं। फाइवर पे तो डायरेक्ट मालिक आता है आपके पास, यार मेरी ये बिजनेस है मैंने वेबसाइट बनवानी है। कंपनीज आती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्लाइंट मिलते हैं। वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा चार्ज करते हैं, आपको कम देते हैं पैसे, वो भी आपका काम लग जाता है। अब देखिए ये वेबसाइट आप लोगों के पास बच्चों रेडी हुई भी आ गई, सारे के सारे पेजेस आपके पास रेडी हो गया आ गए। अब कुछ भी चेंज करना है मुश्किल ही नहीं है। क्लाइंट कहता है ये टेक्स्ट चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, आपने क्या करना है, आपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना। डैशबोर्ड पे क्लिक करके स्क्रीन ऑप्शंस में जाके ये चीज़ें बेशक हाइड कर दें, कुछ भी ना देखें, इसको भी ऊपर से कट कर दें। कहाँ पे जाना है, पेजेस में चले जाएं। सारे पेजेस आ गए हैं, मैंने तो नहीं बनाए ये पेजेस बच्चों, पेजेस आ गए सारे। यस सर, यस सर। होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लो, होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लो। सारी चीजें आ रही है आपके पास। सेक्शन पे क्लिक करो, स्टाइल में चले जाओ, देखो बैकग्राउंड टाइप क्लासिक है, यहां से ग्रेडियंट कलर दे सकते हो, यहां से वीडियो पुट कर सकते हो, और ये होता है स्लाइड शो, यहां से आप स्लाइड शो दे सकते हो। अब स्लाइड शो क्या है, स्लाइड शो भी आपको दिखा देता हूँ, कोई बड़ी गेम नहीं है। अगर आप इसका बैनर देखिएगा कुछ आपको पता चल रहा हो, ये बैनर से पीछे कुछ पता चल रहा है आपको, क्या हो रहा है, कुछ नजर आ रहा हो? स्लाइड चल रही है, स्लाइड तो चल रही है, कुछ और भी हो रहा है थोड़ा सा, ये तो चल तो रही है, जूम हो रहा है थोड़ा सा, ये होता है स्लाइड शो। आपकी इमेजेस हिलती हैं इसके अंदर, थोड़ी थोड़ी जूम आउट होती हैं, तो आप ऐसे स्लाइड शो भी लगा सकते हैं। मैं स्लाइड शो में जाके कोई इमेज लगाता हूँ, बैनर इमेज, कोई इमेज ले लेते हैं, जरूरी नहीं ये लेनी। अब देखिए बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा दी मैंने, एक और इमेज सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं, ये इमेज लगा दी है, आपकी इमेज चेंज हो जाएगी, होम पेज में आ जाए। यहाँ पर आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। अब लोगो चेंज करना है, कस्टमाइज में जाके आप लोगो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज करना है, मेन्यूज आइकन चेंज करने, आइटम मेन्यू चेंज करने, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आ जाए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखना है ये लिखा गया, यहाँ पर लिखे ऐसा करते हैं आप, एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, ये वही आपका काम आ गया है आपको, लेकिन डिजाइन नहीं बनाना पड़ा कि हाँ वो क्या लगाऊं, इधर क्या लगाऊं, इधर क्या लगाऊं, वो आपको नहीं बनाना पड़ा, आपका काम हल हो गया, आपने सिर्फ चीजें चेंज करनी है। लर्न मोर को छोड़े, व्यू मोर कर दे, यहाँ पे व्यू मोर कर दे, स्टाइल में जाएं, कलर चेंज कर दे,
टेक्स्ट चेंज कर दें, जो चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दें, ये टेक्स्ट चेंज कर दें, ये चेंज कर दें, आप कमिंग में आए इसको चेंज कर सकते हैं, यहां पे इन बटन्स को चेंज कर सकते हैं, इनके ऊपर लगा आइकन चेंज कर सकते हैं, ताला आ जाएगा, जो आइकन लगाना चाहिए अपने अकॉर्डिंग वो लगा सकते हैं। समझ आ गई बच्चों? Yes, इस चीज की आपको समझ आ गई? सर आपने कहा था मैं आपको आइकन बताऊंगा और भी इससे वो और भी होंगे वो, सर आपने कहा था मैं बताऊंगा, क्या आइकन बताऊंगा इनसे भी ज्यादा होंगे वो, सर आपने कहा था। अच्छा आइकन इसके अंदर सारे मौजूद होते हैं, आपको फिर यहाँ पर वो अपलोड करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, वो प्रो परचेज करना पड़ेगा। हाँ वो मैंने कहा था कि एलिमेंटर प्रो रखेंगे, तो फिर प्रो एलिमेंटर रखेंगे तो फिर आपको ये मिलेंगे, क्या कहते हैं इसको, आइकन से ज़्यादा फिर आप अपलोड भी कर पाएंगे। लेकिन अब एलिमेंटर प्रो का एक है कि अगर आपको मैं दिखा बता देता हूँ कि कहाँ से क्रैक करना है, कहाँ से लेना, फिर आपने उसमें फीचर ज़्यादा होते हैं वही पुट कर करके देते जाना है, उसका एक मसला आता है, बस मसला ये आता है कि परचेज नहीं किया होता तो अपडेट आए तो वो फिर वहाँ पे फंस जाते हैं, वो फिर आपकी वेबसाइट क्रैश होने का खतरा होती है, क्योंकि उठा के अगर आप लगाते हो। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि इसी से बनाओ, अगर कहीं पर कुछ चेंज करना पड़े, कुछ ज़्यादा ऑप्शन देने पड़े तो एडिशनल एडॉन्स हैं आपके पास, एडिशनल एडॉन्स हैं, प्रीमियम एडॉन्स हैं, मैंने वो करवाया उनका इस्तेमाल कर लो। ठीक होगा सर। हाँ वैसे सर, ये करवा देता हूँ आपको, वैसे करवा दूंगा जुगाड़, मैं ये चाहता था कि मतलब ना ही जुगाड़ आपको ये वाला बताऊँ, प्रोफेशनली लोग ये नहीं बताते, वो कहते हैं जैसे जैसे सीधा सीधा चल रहा है ये चले, मतलब आप कह रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे तो खैर नहीं इसको नेगेटिव समझते, गोरे या सारे ये फॉरेन कंट्रीज वाले इसको नेगेटिव समझते हैं कि आप ये क्या सिखा रहे हैं कि चोरी करके किसी चीज़ को लगाना, जुगाड़ करके लगाना, किसी चीज़ को क्रैक करके लगाना, तो हम हमारा पूरा कंट्री भाई क्रैक लगाता है, कभी किसी ने सॉफ्टवेयर परचेज किया कि जी मैं VLC मीडिया प्लेयर परचेज कर लूँ, मैं फोटोशॉप परचेज कर लूँ, कभी किया? कभी भी नहीं करते हम, हमारे पास क्रैक चलते हैं सारे। नो सर, 20-30 हज़ार की विंडो होती है, 40-40 हज़ार की कंप्यूटर्स की, हमारी 250 की हो जाती है, वो भी करवा के लाएँ तो, नहीं तो हमारी फ्री में हो जाती है। जी सिंपल ऑफिस का सेटअप भी परचेज नहीं करते, वही ना, तो ऐसा है तो बता दूंगा आप लोगों को, चाहता नहीं हूँ वैसे बता दूंगा जी आपको मैं। चले हिंट दे, आप गूगल पे जाकर टाइप करिएगा कि क्रैक एलिमेंटर या नल्ड एलिमेंटर प्लगइन, आपको लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अब करके नहीं दिखाऊंगा फिर रिकॉर्ड भी होती है तो ये अच्छी चीज नहीं, तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके बता दीजिएगा कोई। चले ठीक है, ठीक हो, ठीक हो, मैं आपको डाउनलोड ही करके बताऊँ। अच्छा अच्छा सर जी, ये एक पेज में एक सेक्शन बना लिया तो उस सेक्शन को दूसरे पेज में भी। ग्रेट, अच्छा क्वेश्चन, बहुत जरूरत पड़ती है, ऐसी होती है ना, किसी ने अभी तक किया है? किसी ने अभी तक किया हो? एक कॉपी किया था लेकिन वो आगे पेस्ट का ऑप्शन नहीं आया, पेस्ट नहीं होता बिल्कुल। जी सोनिया फ्याज, आप एक दिन कह रही थी कि सर मैंने ये कॉपी पेस्ट किया आगे, वो कैसे आपने किया था कॉपी पेस्ट? सर मैंने फूटर बना के कॉपी किया था। कैसे फूटर बना के कैसे कॉपी किया? मतलब फूटर का डिजाइन बना के अगले पेज में कॉपी किया, बनाया एलिमेंटर में था। यस सर, वो तो कॉपी होता ही नहीं ऐसे, कभी भी कोई एक सेक्शन एक पेज से दूसरे पेज में डायरेक्टली कॉपी नहीं होता, आपने कैसे किया था मुझे बताएं। आज अब मैं आपको बताता हूँ सर, मैंने वो कॉलम कॉपी करके ना अगले पेज में ये जो ड्रैग वाली जगह है यहाँ पेस्ट कर दिया था मैंने,
कॉलम आपने कॉपी किया ऐसे हम भी देख लेते हैं। खैर मुझे इसका नहीं पता कि डायरेक्ट अगर कॉपी हो जाए, हमें ये एज ए टेम्पलेट सेव करना पड़ता है। सर ये सिक्स डॉट्स पे रख के मैंने भी कॉपी करके सर अगले पेज में लगाया है सर इसको। कहां से? ये सेक्शन पे कॉपी करके? ये पूरा सेक्शन जो है ना सर, अपकमिंग टूर्स एंड ये वाला पूरा सेक्शन यहां पे सर कॉपी वाला ये ऑप्शन है, ये कॉपी करके अगर कोई और पेज बना रहा हूं सर उसमें मैंने जाकर पेस्ट किया सर। मैं अभी देख लेता हूं, लेकिन तरीका असल इसका और है, लेकिन अगर ऐसे लग जाते तो फिर ठीक है। हम क्या करते हैं, दो चीजें एलिमेंटर में ओपन कर लेते हैं, दो पेजेस। अगर ये लग जाता है तो फिर तो मुश्किल ही नहीं, फिर तो फूटर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हैं। बट आप सेव टेम्पलेट से जो एक्चुअल तरीका है उससे भी कर सकते हैं। हम एक सर्विसेज का पेज आके ओपन कर लेते हैं और एक अपना होम पेज ही ओपन रखते हैं। आ जाए एंड पे चलते हैं, एंड पे। यहाँ पे इसी प्लस को सिलेक्ट करके आप सिर्फ सर पेस्ट कर दें तो वो पेस्ट हो जाएगा सर। जो ड्रैग का ऑप्शन आ रहा था ना सर यहाँ पे, ये यहाँ पे आप पेस्ट कर दें सर, ये पेस्ट हो जाएगा। नहीं अभी मैं इधर कुछ लिखता हूँ ना, फिर उसको पेस्ट करेंगे उधर जाके। यहाँ पे अभी मैं डाल देता हूँ एक हेडिंग। अच्छा जी, अब इस सेक्शन पर राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें, ऐसा कह रहे हैं आप? यस सर। यस सर। आपने कॉपी किया, यहां पर आए, इस प्लस पर क्लिक करें। यस सर, पेस्ट कर दें। यस सर। चल ये ग्रेट हो गया, बस फिर मुश्किल ही नहीं, फिर दूसरा तरीका बताने की जरूरत नहीं। खैर मुझे इसका नहीं पता था कि डायरेक्टली ऐसे हो जाता। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा तरीका क्या है, आपको ये जो सेक्शन है इस पे राइट क्लिक करने, आपको सेव एज टेम्पलेट करने, सेव एज टेम्पलेट, फिर आपने इसका नाम रखना है माय फूटर, सेव पे क्लिक कर देना या इंटर कर देना, आपके टेम्पलेट्स में जाके माय फूटर के नाम से ये सेव हो जाएगा। अच्छा जी ये सेव हो गया। अब आप आगे इस पेज के अंदर, आपने फिर इस प्लस पे नहीं क्लिक करना, फिर आपने इस पे क्लिक करना है एड टेम्पलेट पे। इसमें लिखा होगा माय टेम्पलेट्स, अगर आपको नजर आ रहा है तो। यस सर। उसमें जाके आपने इंसर्ट कर देना। ये भी तरीका है कि उसको सेव कर ले। अच्छा अच्छा ये चीज होगी, ये हमारी वेबसाइट, मतलब इसको आप चेंज कर सकते हैं इजीली, कस्टमाइज में जाके इसके ये बटन्स का कलर, पूरी वेबसाइट के चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, इनको इधर उधर करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप कर लोगे ना। अब इसको मैं आपको अपलोड करके दिखा दूँ कि अपलोड कैसे करते हैं इसको। यस सर।
और वेबसाइट बनाते हैं क्या, उसमें डेटाबेस कैसे बनाते हैं ऑनलाइन, वो सारी चीजें अभी बताता हूँ आपको। इसको एग्जिट कर देते हैं, डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। ये अपने दो दिन हैं हमारे पास, इनको कवर करना है सारी चीजें। और सर डोमेन परचेज करने के लिए कौन सा कार्ड बनवाना पड़ता है, वहां पे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपका बैंक कार्ड है, यूबीएल कार्ड, यूबीएल या कोई भी बैंक का कार्ड हो जाए जिसको एटीएम कार्ड बोलते हैं। लेकिन ये चीज याद रखनी है, मास्टर कार्ड होना चाहिए। मास्टर कार्ड का ऊपर अगर मैं कैसे बताऊं आपको, हाँ यहाँ पे आप सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका एटीएम मास्टर कार्ड है कि नहीं है। ये दो होते हैं निशान मास्टर कार्ड के। अब आप अपने अपने एटीएम्स पे देख सकते हैं, मास्टर कार्ड होना चाहिए आपके पास। सिंपल एटीएम भी होते हैं, उससे आप अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी, हम वापस आते हैं। अब हमने काम क्या करना है, अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है, अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है, यहां से कहीं और लेके जाना है। सबसे पहले डोमेन होस्टिंग की बात कर लें। डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, कोई बताएगा? सर डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है और होस्टिंग वो होती है जहां पर आपकी फाइल्स रखी होती हैं। बिल्कुल, स्पेस होती है। अच्छा जी, क्लाइंट से आपने क्या डिमांड करनी होती है? क्लाइंट क्या करता है, कभी कभी आपको गोडैडी, हॉस्टगेटर उसकी ही लॉगिन प्रोवाइड कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी वो सी पैनल का प्रोवाइड करता है। अब ज्यादातर क्लाइंट सी पैनल प्रोवाइड करते हैं। सी पैनल क्या होता है, व्हाट इज सी पैनल? एक एडमिन पैनल होता है। देखिए, सी पैनल इज वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सी पैनल। इट प्रोवाइड अ ग्राफिकल इंटरफेस एंड ऑटोमेशन टूल्स टू सिंपली tools designed to simplify the process of hosting a website to the website owner or the end user. वो कहता है कि ये जो cPanel है, एक software है छोटा सा, जो simplify करता है और user interface provide करता है easily तरीके से website को live करने के लिए, end user तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये cPanel। अब आप client से क्या demand करोगे, cPanel का login। तो मुझे सी पैनल का लॉगिन दे। क्लाइंट कहता है मुझे नहीं सी पैनल का पता यार, आप खुद ही ले लो मेरे से, गो डैडी का पासवर्ड ले लो या होस्ट गटर का पासवर्ड ले लो, या गो डैडी, होस्ट गटर, या आपके पास ब्लू होस्ट, ये वेबसाइट्स हैं जो होस्टिंग और डोमेन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब वो डायरेक्ट आपको पासवर्ड दे देते हैं, तो आप वहां से भी आप सी पैनल को अपने एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरीकों से आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ सी पैनल को। पहले क्लाइंट ने आपको दे दिया है पासवर्ड गो डैडी का, आपने गो डैडी पे जाना है, गो डैडी, होस्ट गूटर, कुछ भी हो सकता है। मैं गो डैडी पे चला जाता हूँ। गो डैडी एक वेबसाइट है, आपके सामने शो होगी है? यस सर। सिंपल, आपने साइन इन पे जाना है। साइन इन पे चले गए, साइन इन, आपने यहाँ पे यूजर की कस्टमर आईडी डालनी है जो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, पासवर्ड डालना है, फिर साइन इन कर देना है। जब क्लाइंट के अकाउंट में साइन इन करेंगे तो उसकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है वो आपको नजर आ रही होगी, आपको bilalco.com लिखी नजर आएगी डोमेन्स में। Yes, यहाँ पे ये सारी चीजें होगी, आपको आपकी अगर कोई एडिशनल प्रोडक्ट है, होस्टिंग है, वो भी नजर आएगी। आप मैनेज पे क्लिक कर दें, ये सिर्फ डोमेन है मेरे ख्याल में, मेरे होस्टिंग मैंने किसी से परचेज की हुई है अपने दोस्त से, सॉरी फ्री ली हुई है अपने दोस्त से। तभी यहाँ पे वो नहीं आ रहा ऑप्शन सी पैनल में जाने का। आपने कहाँ जाना होता है, आपको समझा देता हूँ। आपने
होस्टिंग एंड वर्डप्रेस में जाना होता है, होस्टिंग एंड वर्डप्रेस में, जहां भी आप चले जाएं कोई भी वेबसाइट हो आपने होस्टिंग में जाना होता है, कोई होस्टिंग नहीं, कोई चीज नहीं, अगर होती तो यहाँ पे वो नजर आ जाती। आपको मैं किसी और क्लाइंट से बताता हूँ, चलें क्लाइंट से दिखाता हूँ कि आप कैसे जा सकती हैं। हम चलते हैं ब्लू होस्ट, ये तो मेरा था ना, मैंने वो होस्टिंग नहीं परचेज की, सिर्फ डोमेन परचेज की, तो डोमेन परचेज करके अपने दोस्त को दिया, उसने अपनी होस्टिंग में ऐड कर दिया। हम जाते हैं ब्लू होस्ट पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है लॉग इन। जी आवाज नहीं आ रही, आप आवाज नहीं आ रही, लॉग इन करें। लॉग इन करना है, ये क्लाइंट की यूजर नेम और पासवर्ड है, मैंने लॉग इन कर दिया। जैसे बच्चों मैं लॉगिन करूंगा ना, देखिएगा यहाँ पे सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। ये सी पैनल नहीं है, मतवातर ज्यादातर आपको मोस्टली आपको सी पैनल मिलता है, लेकिन जब सी पैनल नहीं मिले डायरेक्ट वेबसाइट का पासवर्ड वगैरह मिल जाए तो आपने क्या करना होता है। और सबका सिनेरियो एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। ये देखिए इस वेबसाइट में आ गया, अपने एडवांस पे क्लिक करने, जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करोगे डायरेक्टली आपको सी पैनल में ले आएगा। एडवांस पे आपने क्लिक करा, डायरेक्टली आपको सी पैनल में ले आया। सी पैनल में दो चीजें आपके काम की हैं बस, एक फाइल मैनेजर, एक डेटाबेसिस। बस फाइल्स वाले सेक्शन में फाइल मैनेजर और डेटाबेसिस वाले सेक्शन में, फिर यहां पे बताता हूं कौन कौन सा, दो सेक्शन सिर्फ और कोई ज्यादा नहीं। तो ये डायरेक्टली आपको यहां पर ले आए इजीली, वेबसाइट के अंदर गए वहां से लॉगिन करके सी पैनल में आ गए। दूसरा तरीका, क्लाइंट आपको सी पैनल ही प्रोवाइड कर देता है। क्लाइंट जब आपको सी पैनल प्रोवाइड करता है तो आपने कैसे उसको चलाना होता है। अब एक वेबसाइट है, क्लाइंट कहता है मेरी डोमेन ये है bilalco.com। जब नई नई परचेज की होगी यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, कमिंग सून आ रहा होगा या GoDaddy लिखा आ रहा होगा या HostGator लिखा आ रहा होगा, खाली होगी ये। लेकिन वो कहता है कि मैंने डोमेन होस्टिंग परचेज कर ली है, मेरी रेडी है। सी पैनल जनरेट ही तब होता है जब डोमेन होस्टिंग अटैच हो जाती है। वो कहता है कि मैंने रेडी कर लिया। आपका काम नहीं है, क्लाइंट को कहना कि डोमेन प्रोवाइडर्स को, होस्टिंग प्रोवाइडर्स को कहो कि आपकी डोमेन होस्टिंग रेडी करके दे, अटैच करके दे। वो आपको अटैच कर देगा, वो एक मिनट का काम होता है, वो खुद ही अटैच करके दे देते हैं जिनसे ये परचेज करते हैं। अच्छा जी, आप उसे कहने के सी पैनल प्रोवाइड करें मुझे। ज्यादातर क्लाइंट्स को पता होता है, जिनको नहीं पता होता उन्हें कहें कि होस्टिंग प्रोवाइडर से कहें कि मुझे सी पैनल दें, वो फिर उनको सी पैनल दे देते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपने इतना कंसर्न नहीं करना इस चीजों से, सारे सोल्यूशन है। अब bilalco.com पे आए, अब आपने सी पैनल में लॉग इन करना है। वो कैसे देखेंगे, सी पैनल कहां से आएगा, आपने डोमेन के नाम के आगे कॉलन डालना है 2083 2083, कॉलन डाल के 2083 डाल के इंटर कर देने आप, सी पैनल पे आ गया बच्चों। यस सर। ये भी सी पैनल पे आ गई है। यस सर। किसी भी वेबसाइट के आगे ऐसे डालेंगे तो वो सी पैनल पे ले आएगी। अब इसने मुझे सी पैनल नहीं दिया था, इसने डायरेक्ट मुझे ब्लू होस्ट का लिंक दे दिया और पासवर्ड दे दिया, मैंने वहां लगाया और सी पैनल को एक्सेस कर लिया। बट क्लाइंट आपको डायरेक्टली क्यों, क्लाइंट अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स नहीं शो करना चाहते,
वो क्लाइंट कहता है कि कोई छेड़छाड़ ना कर ले, हाईली ट्रस्टेड होगा या जिसको पता नहीं होगा वही आपको गो डैडी का देगा, वरना जो सियाना होता है वो सिर्फ सी पैनल देता है कि गो डैडी में जाके आप चीजें ही सारी, उसके कार्ड की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बड़ी चीजें आप हैक कर सकते हो अगर कोई हैकर होगा तो, या कोई डेवलपर अच्छा नहीं होगा, बंदा कोई जिसको कह ले कि मसला बन जाए तो बड़े बड़े हम फिर दाल लगाने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर यूजर नेम वो प्रोवाइड करेगा कि मेरे सी पैनल का ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, बच्चे जाके लॉग इन कर लो। मैं लॉग इन करता हूँ, जैसे लॉग इन करेंगे बच्चों वही चीजें आ गई है, फाइल्स और जैसी वहां पर आई थी, डेटाबेसिस और फाइल्स वाला सेक्शन उसी तरह आ गया आपके सामने। आपने क्या करना है, आपने फाइल मैनेजर में चले जाना है, फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर को ओपन करना है कैसे, यहां से पब्लिक एचटीएमएल में जाना है। अच्छा, कुछ जगह पे पब्लिक एचटीएमएल होता है, कुछ जगह पे एचटी डॉक होता है, जिस तरह आपका एचटी डॉक होता है, कुछ जगह पे पब्लिक एचटीएमएल, कुछ जगह पे एचटी डॉक, ठीक हो गया। मैंने कहा यार यहाँ पे एचटी डॉक में डायरेक्ट तो मैं अब अपलोड नहीं करके दिखा सकता आपको, क्योंकि मेरी वेबसाइट पड़ी है डायरेक्ट में, मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। फोल्डर में जाता हूँ, ये देखें यहाँ से ऊपर फोल्डर में जाना है, यहाँ से क्रिएट करना है टेस्ट स्टोर, एक फोल्डर क्रिएट किया टेस्ट स्टोर, ये टेस्ट स्टोर पड़ा है। अब इसमें अपनी फाइल अपलोड करनी है वर्डप्रेस की, अपलोड पे गया, आपके सामने अपलोड करने के लिए आ जाएगा। मैंने वर्डप्रेस को देखना है कहाँ पे पड़ी है, एचडी डॉक्स में पड़ी है, वर्डप्रेस को पकड़ा, पकड़ के मैंने यहाँ पर ड्रैग करके अपलोड कर दिया, ये लें जी यहाँ पर अपलोड कर दिया। आपको नजर आ रहा है कि अपलोड हो रही है वर्डप्रेस? यस सर। सर वर्डप्रेस में जितनी भी फाइल्स थी कंटेंट उन सब को एक्सट्रैक्ट करके जिप में कन्वर्ट कर लेने। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ पे टेस्ट स्टोर में आ जाएं, आपके पास वर्डप्रेस का वो फोल्डर आ जाएगा। मेरे ख्याल में मैंने पहले कर दिया, शायद सक्सेस नहीं हुआ था, ग्रीन हो गया था। आगे है, अच्छा जी आगे। अब राइट क्लिक करके बच्चे एक्सट्रैक्ट कर दो इसको, एक्सट्रैक्ट कर दिया आपने, इसको जिप को डिलीट कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब मसला क्या हुआ, आपने फोल्डर बना लिया पहले, या तो इसको एक्सट्रैक्ट करके रिनेम कर देते, ऐसा ही था ना, या तो रिनेम करते, लेकिन अब क्या हुआ, मेरा टेस्ट स्टोर है उसके अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर है, फिर आपकी वर्डप्रेस की फाइलें हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये किसी तरीके से फोल्डर खत्म करना है, फाइलें मेरी डायरेक्ट टेस्ट स्टोर में आ जाएं। ओपन करता हूं वर्डप्रेस के फोल्डर को, सिलेक्ट ऑल करता हूं, सिलेक्ट ऑल किया, मूव पे क्लिक कर दिया। अब कहां पे मूव करना है, ये वर्डप्रेस को हटा दोगे सारी की सारी फाइल्स टेस्ट स्टोर में मूव हो जाएंगी, वरना कहां पड़ी थी, टेस्ट स्टोर स्लैश वर्डप्रेस का फोल्डर फिर फाइल, वो वर्डप्रेस के फोल्डर को वहां से कट कर दिया। क्यों, मैंने सारी रखी है टेस्ट स्टोर के अंदर, या बस मैंने फोल्डर पहले बना लिया है, अब ना बनाते आप वर्डप्रेस अपलोड करके उसको रिनेम कर देते, मैं भूल गया मैंने फोल्डर पहले बना लिया, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप वो सारी फाइलें पीछे ले, वर्डप्रेस का फोल्डर खत्म कर दें, डायरेक्टली आपकी मूव होकर फाइल सारी टेस्ट स्टोर में आ जाएंगी। देखें जी, आप वर्डप्रेस के फोल्डर को बेशक डिलीट कर दें, उसमें कुछ पड़ा ही नहीं, वैसे भी तो रिनेम करना था, तो टेस्ट स्टोर में आपकी सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं और सॉरी फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। अब डेटाबेस कैसे बनानी है बच्चे, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से डेटाबेस बनती है, ये फाइलें आपकी आ गई हैं, डेटाबेस बनानी है तो आपको डेटाबेसेस में जाना पड़ेगा, आपने जाना है माई एसक्यूएल डेटाबेस विजर्ड, विजर्ड होता है स्टेप्स, स्टेप्स ये खुद ही आपको आगे आगे स्टेप्स मांगता जाएगा, आगे ये करो आगे ये करो। मैंने कहा जी माई एसक्यूएल डेटाबेस विजर्ड पे क्लिक कर दो, जैसे क्लिक किया क्या लिखा रहा है आपके सामने, क्रिएट अ डेटाबेस, टेस्ट अंडरस्कोर स्टोर के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर,
लेकिन आपकी डेटाबेस के नाम में ये चीज जुड़ी आएगी, बिलाल कोड। टेस्ट स्टोर के साथ बिलाल कोड जुड़ा आएगा आपका। वो क्यों? क्योंकि आपका यूजर नेम बिलाल कोड है, तो क्लाइंट का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम होता है, वो वेबसाइट के नाम के साथ जुड़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बिलाल कोड अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्टोर मेरी वेबसाइट का नाम हो गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी यूजर नेम। मैंने कहा टेस्ट अंडरस्कोर स्टोर ही रख दिया मैंने यूजर नेम। पासवर्ड, पासवर्ड में ये नाम नहीं अटैच आएगा, टेस्ट अंडरस्कोर स्टोर, दोबारा लेता हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर स्टोर स्टोर 1 2 3 4 5, ये पासवर्ड कर दिया। क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं चलेगा, यहाँ पे जो लगा रहे हैं वो चलेगा। टेस्ट अंडरस्कोर स्टोर 1 2 3 4 5 मैच कर गया पासवर्ड। और क्रिएट यूजर कर दें, जैसे क्रिएट करेंगे वो कहेगा कि इसको प्रिविलेजेस देनी है, इजाजत कितनी देनी है, क्या काम कर सके, क्या अल्टर कर सके। मैंने कहा ऑल प्रिविलेजेस, सब कुछ दें और मेक चेंजेस कर दें। यदि आप ये करेंगे आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। क्या तीन स्टेप तो करने हैं, डेटाबेस बनानी है, यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है, रिटर्न टू होम कर दें। अच्छा अच्छा डेटाबेसिस तो बन गई। अब MySQL डेटाबेसिस में आ जाएं, जरा देखें डेटाबेस तो बन गई है, सारी की सारी डेटाबेसिस बनी आपको नजर आएंगी। बिलाल कोड्स टेस्ट स्टोर के नाम से बनी नजर आ रही है। आपने क्या करना है, इस डेटाबेस को स्पेसिफाई जो यूजर नेम है वो असाइन करना है। वो कैसे असाइन करना है, ये देखें यूजर नजर आ रहा है, MySQL यूजर्स ऐड न्यू यूजर, अच्छा यहाँ से नहीं, सॉरी, ऐड यूजर टू डेटाबेस लिखा नजर आ रहा होगा आपको, ऐड यूजर टू डेटाबेस, कि डेटाबेस को यूजर असाइन करो, नजर आ रहा है? यस सर। आपने पहले यूजर सिलेक्ट करना है, बिलाल कोड टेस्ट स्टोर, फिर आपने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, बिलाल कोड टेस्ट स्टोर सेम नाम है, ऐड कर देना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे आपका यूजर ऐड हो जाएगा वेबसाइट के लिए। अच्छा जब ऐड हो जाएगा, मेरे ख्याल में पहले ही ये क्रिएट होके आ जाता है, जब हम क्रिएट करते हैं तभी ऐड हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर ऐड ना हो तो चेक कर लीजिएगा, ये ऐड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद पड़ जाए, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाए MySQL डाटा, कोई इतना बड़ा स्टेप तो है ही नहीं, अब कर दें। यहाँ पे नीचे आ रहा होता है कि कौन सा यूजर किसको असाइन है। हाँ ये देखिए डेटाबेसिस बिलाल कोड टेस्ट स्टोर, बिलाल कोड टेस्ट स्टोर, अगर ये ना यहाँ पर आ रहा हो प्रिविलेजेस यूजर प्रिविलेज्ड यूजर, तो फिर आप कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में पहले ही आ गया था, मैंने ऐसे ही दोबारा इसको असाइन किया, चेंज करना हो तो फिर कर सकते हैं आप। तो ये आ गया, मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ यार, क्योंकि उधर पुट करना होता है। उसी तरह एक्सेस करें bilalcode.com थी वेबसाइट, उसके आगे स्लैश लगाएं, लिखें, हर दफा स्लैश नहीं लगानी। अब स्लैश क्यों लगा के कर रहा हूं कि डायरेक्ट नहीं मैं उसको पुट किया, उसको मैंने एक फोल्डर के अंदर पुट किया, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पड़ी है, आपने क्लाइंट की डायरेक्ट पुट करनी है। लेकिन कभी कभी क्लाइंट कह दे कि डायरेक्ट नहीं पुट करना है, मेरा भी फोल्डर है, तो आप ऐसे फोल्डर में पुट करोगे, वो बताएगा आपको। अगर तो वो कहेगा कि मेरी कोई वेबसाइट नहीं पड़ी, भाई ज्यादातर तो नहीं होती है यार, कोई भी इस तरह फोल्डर के अंदर वेबसाइट नहीं रखवाता, ये तो हमने शो करवानी होती है, हम मल्टीपल रख लेते हैं, उन्होंने शो तो नहीं करवानी होती, प्रोफेशनल बिजनेस होता है। तो वो bilalcode.com डायरेक्टली आपने लिखना है, तो आपके पास इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, डोमेन का नाम लिखना है, लेकिन मैंने फोल्डर में रखी है तो मैं फोल्डर लिखूंगा, टेस्ट अंडरस्कोर स्टोर के नाम से फोल्डर है। बच्चों उसी तरह इंस्टॉलेशन का आपके सामने शो हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है जिस तरह आपके पास लोकल होस्ट पे आ रहा होता है। यस सर। कंटिन्यू कर दें, लेट्स गो करें, डेटाबेस मांग रहे हैं, डेटाबेस आप वो जो कॉपी करके लाए हो, बिलाल कोड टेस्ट स्टोर, यूजर नेम रूट नहीं, बिलाल कोड टेस्ट स्टोर, पासवर्ड टेस्ट स्टोर 1 2 3 4 5, सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन, साइट का टाइटल टेस्ट स्टोर, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 1 2 3 4 5, बिलाल सर जी ये दो सर जी जी बोलें बोलें
सर ये जो आप दो पीछे भी मतलब पासवर्ड और यूजर नेम देना होता है और आगे भी यूजर नेम, इन दोनों में फर्क क्या है सर? यार ये इतना डिटेल से बताया था आपको, जो पिछला है वो डेटाबेस का है, वो डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड है क्योंकि डेटाबेस के साथ लगा था। ये आपकी वेबसाइट का है, ये आप जिसमें WP एडमिन में जाकर लॉग इन करते हो वो दोबारा यूज नहीं होता, वो सिर्फ एक दफा देना होता है जो डेटाबेस का है। ठीक है, जो डेटाबेस के साथ लिखते हो ना ऊपर डेटाबेस, नीचे यूजर नेम पासवर्ड, वो डेटाबेस का होता है, आपके एडमिन का ये होता है असल, जो आप लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल करते हो। समझ आई? जी सर। अब आप इसको इंस्टॉल कर दें, लॉग इन कर दें। सिंपली उस तरह ही वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, प्लगइन्स में जाके डिलीट कर दें प्लगइन्स को। टेस्ट स्टोर पे जाएं, विजिट साइट करें, वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो इसको, सर्च करें अपने पास bilalco.com/teststore, आपको हेलो वर्ड लिखा आ रहा है आपके मोबाइलों पे देख लो बेशक, सर्च करो गूगल पे जाके, यूआरएल में लिखो bilalco.com/test_store, आपके सामने आ रहा है लिखा ऐसा ये डिजाइन, टेस्ट स्टोर हेलो वर्ड, हेलो वर्ड लिखा आ रहा होगा सामने, मोबाइल पे सर्च कर लो, आ रहा है ना? अब ये वेबसाइट लाइव है, रेडी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपीयरेंस में, आए थीम्स में, आके थीम चेंज करें। सर हम एक डोमेन होस्टिंग में एक ही वेबसाइट रख सकते हैं, हमने वर्डप्रेस उसका वो तो नहीं आई बच्चे, अभी कर रहा हूँ अभी आपको सिर्फ रेडी करके दिखाइए कैसे रेडी करनी है, अभी कर रहा हूँ उसको, जो हमने लोकल पे बनाई है उसको करना है। अब डायरेक्टली अगर आपको यहाँ डायरेक्टली सारी आप लोकल पे तो नहीं ना बना के कर सकते, आप डायरेक्टली भी चला सकते हैं वेबसाइट, डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर दें, यहाँ पे आपकी रेडी हो जाएगी। आस्ट्रा इंस्टॉल करें, आस्ट्रा प्लग इंस्टॉल करके उसका स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल करके यहीं पे इंपोर्ट कर लें, जो आपने लोकल पे बनाई है वो आप यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट भी करके रेडी कर सकते हैं। बट अगर बनाई लोकल पे है, उसने डोमेन होस्टिंग बाद में परचेज की है, फिर आप उसको अपलोड करना चाहते हैं, वो हम करते हैं। आ जाए अब लोकल होस्ट पे आते हैं, लोकल होस्ट में आना है आपने प्लगइन्स में आना है, प्लगइन्स में आना है, प्लगइन्स में आके एड न्यू पर क्लिक करना, यहां पर आके आपने एक प्लगइन सर्च करना है, ऑल इन वन माइग्रेशन, ऑल इन वन लिखेंगे आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये माइग्रेट करने के भी आपको पैसे मिलते हैं, अगर मतलब आप इसकी गिग बना लें, आई विल माइग्रेट योर वेबसाइट फ्रॉम वन डोमेन टू अदर डोमेन, मैं आपको दिखा देता हूं, वर्डप्रेस नजर आ रहा है, वर्डप्रेस माइग्रेशन वेबसाइट नजर आ रहा है? यस सर। यार वही कोई नहीं है, कंपटीशन इतना कोई नहीं है, देखो लोगों के पास ऑर्डर भी हैं 88, 86, 600, 900, 15, 1K+, इस कीवर्ड पे भी आप बना सकते हैं गिग। एक्सप्लोर करने वाले बंदे के लिए मुश्किल नहीं है ऑर्डर लेना यार, उसको मिल जाता है, हाथ पे हाथ धर के बैठना है फिर नहीं आएगा ऑर्डर, ये डेडिकेशन के साथ है, जितनी शिद्दत के साथ आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाओगे ये उतनी शिद्दत से वापस आएगी। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा वापस आते हैं, ऑल इन वन माइग्रेशन आपको नजर आ रहा होगा लिखा, 4+ million इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, नजर आ रहा है आपको?
ऑल इन वन आपको एसईओ पैक भी नजर आ रहा होगा, 2+ मिलियन इसकी है, दोनों में से जो मर्जी कर लें आप कर लें, फोर वाला इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर ले। एक्टिवेट भी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट में देखना है, साइड पैनल में ऑल इन वन माइग्रेशन लिखा नजर आ रहा होगा, किसी को नजर आ रहा है ऑल इन वन WP माइग्रेशन? यस सर। उस पे आपने क्लिक कर देना, यहाँ पे लिखा आ रहा एक्सपोर्ट टू, कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है वेबसाइट, मैंने कहा इसकी फाइल बनानी है, नीचे वाले ऑप्शन भूल जाओ सारे, फाइल बनानी है, जस्ट फाइल पे क्लिक करने आप। एक्सपोर्ट टू फाइल, 51% होगी आपकी। चैलेंज, अब इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। अब आप आ जाएं लाइव के अंदर, प्लगइन्स पे क्लिक करें, ऐड न्यू पर क्लिक करें, ऑल इन वन माइग्रेशन इसमें भी इंस्टॉल करें, एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट हो गया, इधर भी आपको लिखा नजर आएगा ऑल इन वन WP। यस सर। इस पे क्लिक करें, इंपोर्ट पे क्लिक कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें फाइल को, एक प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे यार। प्रॉब्लम क्या आया कि मेरी वेबसाइट का जो साइज है वो है 97 MB, मेरी जो डोमेन है ना, होस्टिंग है, वो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज देती है 64, तो इसको फिर परचेज करना पड़ेगा अभी हमें बढ़ाने के लिए। देखिए प्रीमियम पे जाना पड़ेगा, इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि डायरेक्ट स्टार्ट करें वेबसाइट को, लेकिन अगर उसके पास डोमेन होस्टिंग पहले पूछा करें। मैक्सिमम अपलोड साइज 64 MB। अच्छा जी, अब डायरेक्टली आपकी सिर्फ इंपोर्ट करने से वेबसाइट इंपोर्ट हो जानी थी, कोई और मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इधर कोई पड़ी होगी मेरे पास, वो मैंने लोकल होस्ट पे बनाई हुई है, अगर वो भी शायद ज़्यादा साइज की होगी, देख लेते हैं। कोई और इंपोर्ट करते हैं जो हमने हल्की सी बनाई हो, एक दो पेज बनाए हों जिसमें, वो देख लेते हैं। लोकल होस्ट, माय स्टोर, इसका भी साइज ज़्यादा ही होगा यार, उसमें 97 MB का क्या है, इतनी ज़्यादा वो बन गई है 97 MB की। डाउनलोड्स में आते हैं, अपडेट्स में चलते हैं, 96 MB है वो। अच्छा, करना क्या होता है, सिर्फ आपने इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, बस अपने कंप्यूटर से उसको यहां से अपलोड करना होता है, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। असल में ना इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी जो है ना होस्टिंग, वो इतना अलाउ करती है, तो अगर मैं
wp-config.php में जाके ये चीज़ पेस्ट करके देखता हूँ। एक काम करते हैं, अपनी इसमें जाते हैं, wp-config में जाते हैं, शायद ये अलाउ कर दे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्लाइंट को आपने कह देना कि अपनी स्पीड इंक्रीज करो, साइज इंक्रीज करवाएं। वो होस्टिंग प्रोवाइडर से कह के देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना कि अपने होस्टिंग प्रोवाइडर्स को कह के आप इंक्रीज, पहला ही ऑप्शन ये होगा। दूसरा, कंटेक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, रीच ओवर टू द कस्टमर सपोर्ट ऑफ योर होस्टिंग प्रोवाइडर, आस्क देम टू इंक्रीज दीज लिमिट्स फॉर यू, वो फिर आपकी ये लिमिट इंक्रीज कर देंगे। अब इसको मैं इंक्रीज करके देखता हूँ, अगर मैं खुद कर पाऊँ, नहीं तो फिर मैं प्रोवाइडर्स को क्या के करवा सकता हूँ। किधर गया? जी 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 जी, क्योंकि मैंने दूसरे अपलोड्स किए हैं, मेरे इससे बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो मसला ही नहीं आया। मेरे पास होस्टिंग ही बड़ी छोटी सी है, सस्ती है, यहाँ पे इसलिए मसला आ रहा है। क्लाइंट की तो फिर परचेज करदा होगी, मैंने सिर्फ रखी है वेबसाइट्स को शो करवाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िग की फाइल में जाते हैं, शायद यहाँ पे ऑप्शन हो कोई साइज वाइज का। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, देखते हैं कोई सोल्यूशन अगर हो जाए। 64 लिखा आ रहा है अभी। $69 ये देखना, 512 तक तो ये फ्री में प्रोवाइड करता है, वो होस्टिंग प्रोवाइडर का मसला है सिर्फ। अब क्लाइंट के अगर अपलोड करके दिखाऊं तो वहां पे फिर क्लाइंट मैं देख ली। तो आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, इंपोर्ट करना है यहाँ से फाइल को, आपकी फाइल यहाँ पे रेडी हो जानी। ये किसी छोटी फाइल को मैं आपको इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये हमने की है। ऑल इन वन में जाते हैं, इसमें भी हमने बड़ी तस्वीरें वगैरह प्लगइन वाला इंस्टॉल किए हुए हैं, ये भी बड़ा ही बनेगा। चेक कर लेते हैं वैसे ऐड न्यू करके, ये शायद 100 भी क्रॉस कर दे। इंस्टॉल कर ले ऑल इन वन को।
फिर इनमें से कोई और देखते हैं जो हमने शुरू में बनाई है, कोई हल्की हल्की, उनको अपलोड करके देखते हैं। एग्जाम्प में जाएं, आईटी डॉक्स में जाएं, माय पोर्टफोलियो को देखते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं इसको। एक्सपोर्ट करते हैं फाइल में, ये हो जाए उस वक्त तक फिर अपने बुला लेते माय पोर्टफोलियो। ये 100 क्रॉस करेगी मेरे ख्याल में। स्टोर में तस्वीरें भी हैं, ज्यादा टाइम लग रहा है, आराम से 100 क्रॉस करेगी। लोकल हॉस्ट से एक्सपोर्ट करनी और वहां इंपोर्ट, बस यहां से एक्सपोर्ट करनी, वहां इंपोर्ट करनी एक फाइल। ये बहुत बड़ी होगी भाई, इसको करके देखते हैं। जो हमने वो बनाई थी डिजाइन वाली, हाँ मेरे ख्याल में ये हो जाएगी, ये जरा हल्की है। वो तो अभी तक हो रही है, 46% हुई है, मतलब शायद 200 MB भी ग्रास करे। स्टोर था पूरा, ऑल इन वन माइग्रेशन। एक्टिवेट करें, एक्सपोर्ट करें, इसको स्टॉप भी कर दें। ये एक्सपोर्ट हो जाए फिर इंपोर्ट करें, दुआ करो बस 64 से नीचे नीचे हो। ओ तेरी है 158। चले बच्चों एंड करते हैं, बस आपने क्या करना है, उधर जाके सिर्फ इंपोर्ट करना है, ऐसे ही वो इंपोर्ट करेगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। 158 MB मतलब वो। वैसे हम लोकल होस्ट में डेटाबेस क्रिएट करते हैं और अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वहाँ क्लाइंट की जो होगा वेबसाइट, उसमें सिर्फ हमने डेटाबेस क्रिएट करके उसमें लॉगिन करके वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल,
उसमें डेटाबेस क्रिएट करके अटैच करके वही प्रोसेस ऊपर भी करना पड़ता है। ये उस सूरत में है कि अगर क्लाइंट आपको डोमेन होस्टिंग पहले नहीं प्रोवाइड कर पाता, कहता है कि भाई आप बनाएं लोकल पे बना लें जहाँ मर्जी बनाए, बाद में अपलोड कर दीजिएगा उस वक्त, तो ये अपलोड हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। क्लाइंट की जब डोमेन होस्टिंग परचेज की होती है उसकी ज्यादा होती है स्पेस, 64 MB नहीं होती, और अगर कम नजर भी आए तो उसे कहेंगे अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को कहो कि इसको बढ़ा दे, हमने अपलोड करनी है यहाँ पर। सर क्या होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाइंट का? वो तो करना पड़ता है, ऑल इन वन माइग्रेशन नहीं इंस्टॉल करना, वो तो हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके अपनी बनाई हुई को अपलोड करना पड़ता है। ठीक है? नहीं मतलब जैसे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एग्जाम में रखा था, हाँ, तो आपने नहीं, कैसे करेंगे वो वर्डप्रेस? चलो जी, और अभी क्या किया है आज हमने, ऊपर इंस्टॉल नहीं किया हमने? जी बच्चों जी दोबारा इंस्टॉल हुआ, हमने इंस्टॉल नहीं किया डोमेन होस्टिंग पे, आपको कैसे नजर आ रहा है bilalcode.com पे? वो इंस्टॉल किया तो नजर आ रहा है ना? यस सर, वो समझ आ गई है मुझे। ऐसे ही इंस्टॉल करना है? नहीं आई तो बता दो, कोई बात नहीं है, वीडियो देख लेना कल करवा। सर एक वो भी बात रिपीट कर दें, वो आप कह रहे थे कि ये क्लाइंट होशियार होते हैं, उनका पहले ही स्टोर बना होता है, वो जहाँ वेबसाइट के आगे आप नंबर नहीं लिखते थे तो उसमें आगे आपने स्टोर लिखा था, वहां पर आपने एक बात कही थी, वो रिपीट कर दें। नहीं होशियार नहीं होता वो, ये कि क्लाइंट एक ही होस्टिंग के अंदर दो डोमेन्स अटैच करता है, तो वहां पे जहां मैंने लिखा है ना बिलाल कोड्स टेस्ट स्टोर, वहां पे आपने ये टेस्ट स्टोर नहीं डालना, वहां पे आपने बिलाल कोड या उसकी जो डोमेन है abc.com वही डाल के इंटर कर देना, तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर देना, आपने स्लैश लगा के टेस्ट स्टोर नहीं डालना। मैंने तो फोल्डर बनाया, उनका फोल्डर नहीं बनेगा, उनका डायरेक्ट पब्लिक html के अंदर फाइल अपलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पब्लिक html में मैंने स्टोर फोल्डर बनाया, मेरे और भी फोल्डर बने हुए हैं बाकी वेबसाइट्स के लिए, इसी तरह मैंने एक और स्टोर बना फोल्डर बना लिया टेस्ट स्टोर के नाम से, वरना होना क्या था, डायरेक्ट पब्लिक एचटीएमएल में फाइल अपलोड होनी थी मेरी, तो वो वहां पे आपको मसला ही नहीं आएगा डायरेक्ट अपलोड। हाँ कई क्लाइंट कह देते हैं कि यार डायरेक्ट नहीं इंस्टॉल करनी, फोल्डर बना के करनी है, तो आप फोल्डर बनाए उसमें आप पुट कर दें, फिर ऊपर एक्सेस भी फोल्डर से ही करनी पड़ेगी आपको, एक्सेस भी तो फिर bilalcode.com से तो एक्सेस नहीं ना होगी, bilalcode.com से तो डायरेक्टली पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर एक्सेस होगा, इसमें टेस्ट का फोल्डर आपको एक्सेस करना है तो उसको लिखना पड़ेगा तभी वो एक्सेस होगा। जिस तरह घर के अंदर घर है उस घर का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, वरना मेन से ही ना आपका एक्सेस हुआ, कमरे तक जाना तो उस कमरे का एड्रेस देना पड़ा आपको, तो उस मेन पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया, ये समझ लगे एक रूम बनाया, उस रूम के अंदर आपने रखी है, वरना डायरेक्टली वो सेहन के अंदर पड़ी होती है बाहर, लेकिन आपने रूम बना के उसमें रख दिए, समझ आइए? Yes, एंड करते हैं भाई, फाइबर को ओपन करके रखें, जागें ताकि कोई ऑर्डर आए।